ब्रह्मचारी जब गुरुकुल में जाता है उसको विद्या पढ़ने का अधिकार दिया जाता है, उसको वेदारंभ संस्कार कहते हैं। वेदारंभ, उसका वेद पठन पाठन शुरू हो रहा है, और उपनयन भी होता है, वो दोनों साथ साथ ही होते हैं। उपनयन संस्कार जो है ये उसका एक प्रकार का, आजकल की भाषा में बोलें तो ये उसका आईडी कार्ड है। आजकल स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, तो उनका एक फ़ोटो आईडी होता है जो गले में लटकाना पड़ता है, उसके बिना स्कूल में घुसने नहीं देते। वो पहचान पत्र है, उसी से तो पता लगता है ये विद्यार्थी हमारे स्कूल का या कहाँ का है। अब तो बच्चों को सबको गले में लटकाना पड़ता है, उसी से वो एंट्री होती है। तो जैसे वो उसका फ़ोटो आईडी है, एक अधिकार पत्र है कि मैं इस स्कूल का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे इसमें प्रवेश करने दिया जाए। तो पुराने समय में जो विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ते थे, ये उनका फ़ोटो आईडी था, एक तरह का एक अधिकार पत्र था कि ये ब्रह्मचारी है, ये पढ़ता है, और इसके गले में यज्ञोपवीत है और सिर पे शिखा है। ये दोनों उसके विद्या प्राप्ति के अधिकार पत्र थे, अधिकार सूचक चिन्ह थे कि ये विद्यार्थी है। और जब तक उसकी विद्या पूरी न हो जाए तब तक उसको ये दोनों चिन्ह रखने पड़ेंगे, शिखा भी और यज्ञोपवीत भी, दोनों उसको धारण करने पड़ेंगे। तो उसकी पढ़ाई चलती है वानप्रस्थ तक। तो ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत और शिखा रखनी होती है, गृहस्थ को भी रखनी होती है, वानप्रस्थी को भी रखनी पड़ती है। इसका अर्थ है कि अभी उसकी विद्या पूरी नहीं हुई। यज्ञोपवीत में तीन धागे थे, वो तीन धागे ये कह रहे थे कि आपको तीन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना है, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। जब तक ये तीन वस्तुओं का तत्व ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक आपकी विद्या अधूरी, तब तक आपको ये धारण करना पड़ेगा। तो वानप्रस्थ तक व्यक्ति अपनी विद्या पूरी करता रहता है, मेहनत करता रहता है, और वो तीन तत्वों का ज्ञान प्राप्त करता रहता है। जब वानप्रस्थ में भी वो पढ़ाई करता है, तपस्या करता है, जब उसको तीनों तत्वों का वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो गया, अब उसको फिर वैराग्य उत्पन्न होता है। तत्व ज्ञान से वैराग्य होता है, ये शास्त्रों में लिखा ही है। फिर वैराग्य होने पर वो संन्यास लेता है। जब संन्यास लेता है तो इसका अर्थ है उसकी विद्या पूरी हो गई। तो फिर ये दोनों चिन्ह हटा दिए जाते हैं, शिखा भी हटा देते हैं और यज्ञोपवीत भी, अब उसका काम पूरा हो गया। और कपड़े भी उसके इस रंग के हो जाते हैं ताकि लोगों को सूचना मिले अब ये विद्यार्थी नहीं है, अब ये अध्यापक है, इसकी विद्या पूरी हो चुकी है, अब ये उपदेश करेगा और आपको इसकी बात सुननी है, ढंग से सुननी है और इसकी बात माननी है। तो इस प्रकार से ये विद्या प्राप्ति का सूचक चिन्ह है, यज्ञोपवीत और शिखा। तीसरी बात थी मेखला की। तो जो मेखला कमर में बांधते हैं, वो ब्रह्मचारी को बताया भाई मेखला बांधो, वो इसलिए बांधते हैं कि उसको ब्रह्मचारी को तपस्या करनी है, पढ़ेगा, मेहनत करेगा, व्यायाम करेगा, काम भी करेगा, शारीरिक श्रम सेवा भी करेगा, उसको बहुत सारा काम करना है। तो आपने एक मुहावरा सुना है, हाँ भाई अब युद्ध की तैयारी है, अपनी कमर कस लो, है ना, कमर कस के तैयार हो जाओ। तो ये कमर कसना मतलब युद्ध की तैयारी करना। अगर आपकी कमर ढीली है तो आप में वो चुस्ती, जोश, उत्साह उत्पन्न नहीं होगा, और जब कमर अच्छी टाइट होगी तो फिर आप फिट हो जाएंगे काम करने के लिए। तो ये जो कमर बंद है मेखला, वो कमर कसने का एक सूचक चिन्ह है कि कमर कस के तैयार रहो हर समय, कभी भी कुछ भी करना पड़ सकता है। तो पढ़ाई में भी कमर कस के बैठो, और व्यायाम में भी कमर कस लो, तपस्या में, श्रमदान में, सब जगह पर अपनी कमर कस के हमेशा तैयार रहो। इसलिए वो प्रतीक के रूप में उसकी कमर में ये एक रस्सी बांध दी जाती है, उसको तपस्या का की प्रेरणा देने के लिए उसका ये सूचक चिन्ह है। और उसकी जो गांठ होती है रस्सी की, वो पीछे रख देते हैं, और पीछे इसलिए रख देते हैं कि वो सीधा नहीं सोए, वो चुभेगी ना, जब पीछे सीधा सोएगा तो गांठ चुभेगी कमर में, तो सीधा नहीं सोना चाहिए, वो ठीक नहीं रहता, करवट से सोना चाहिए। इसलिए वो गांठ पीछे रख देते ताकि ये ब्रह्मचारी सीधा सो ही नहीं सके, करवट से ही सोए, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई।